अस्सलाम वालेकुम, एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज से मैं हूं शाज़िब नियाज़ी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट हाउस टूर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अ ब्यूटीफुल मॉडर्न डबल यूनिट हाउस जो कि सिचुएटेड है DHF फेज 2 इस्लामाबाद में। इस घर की डिमांड 11 करोड़ 90 लाख है और इस घर के फीचर्स के बारे में आपको बता चलो, इट्स अ मॉडर्न डबल यूनिट डिजाइनर हाउस विद 6 बेडरूम 6 अटैच वॉशरूम अ सेपरेट एंट्रेंस डबल हाइटेड लॉबी अ ह्यूज कार पार्किंग स्पेस। तो शुरू करते हैं घर का टूर। सबसे पहले इसकी एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। हमें मॉडर्न स्ट्रेट लाइन में इसकी एलिवेशन मिलती है जिसमें आप देख सकते हैं डार्क कलर का बहुत इस्तेमाल हुआ है और साथ ब्राउन टच भी जो कि बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देता है। उसके बाद हम आते हैं कार पार्किंग एरिया में जहाँ पे इजीली हमारी 3 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। राइट साइड पे एक बहुत डिसेंट सा लॉन मिलता है और इसके अगर आप फ्रंट एलिवेशन में भी लॉन देखें तो काफ़ी वेल मेंटेन लॉन है। बैक में इसका मेन डोर है जो कि 9 फीट हाई है, वो आपको हम लोग अभी घर के अंदर जाके दिखाते हैं। चले घर के अंदर। घर के अंदर एंटर होके हमें वेलकम करती है डबल हाइटेड लॉबी जिसमें काफ़ी मॉडर्न सी लाइट्स ड्रॉप डाउन रही है। बैक में मेरी फुल सॉलिड वुड गोल्डन टी का मेन डोर मिलता है। राइट साइड पे हमारे आ जाता है पाउडर रूम और उसके साथ जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये हमें लेके जाता है इस घर के अपर पोर्शन में जो कि हम आपको वीडियो में बाद में दिखाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसके ड्राइंग डाइनिंग में। काफ़ी ह्यूज स्पेशल ड्राइंग डाइनिंग मिलता है। अगर आप देखें इसकी वॉल पर तो बहुत अच्छा मोल्डिंग का काम हुआ है और बहुत ज़बरदस्त वॉल पेपर भी प्लेस है। ऊपर जो है काफ़ी बहुत खूबसूरत सा शैंडेलियर ड्रॉप डाउन हुआ है। बैक पे एक मिरर दिया हुआ है। ड्राइंग डाइनिंग से निकल के हम लोग एंटर होते हैं इस घर के टीवी लाउंज में और इसके ओपन किचन में। टीवी लाउंज की तरफ अगर देखें तो हमें बहुत खूबसूरत एक मीडिया वॉल मिलती है। उसके बाद बीच में बड़ी खूबसूरत मॉडल की लाइट ड्रॉप डाउन एरिया। राइट साइड पे हमारे आता है इस घर का ओपन किचन जो कि हमें काफ़ी वेस्टर्न वाइब्स देता है। ये हमें इस तरह ओपन किचन लाउंज के साथ आपको बाहर के मुल्क में देखने को मिलते हैं। बीच में हमें एक बड़ा खूबसूरत आइलैंड दिया हुआ है कोरियन काउंटर टॉप का। बैक पे हमारे स्टोव है, अप्लाइंसेज लगे हुए सिग्नेचर के जिसमें हमें वो ओवन मिलता है, माइक्रोवेव ओवन मिलता है। सामने हमारे डबल डोर फ्रिज, राइट साइड हमारा वॉशिंग एरिया और इसकी बैक पे हमें मिलता है डेटी किचन जिसमें हमें एक वॉशिंग मशीन भी मिलती है। और साथ अगर आप इसका भी काउंटर टॉप देखें तो हमें इसमें मार्बल में काउंटर टॉप मिलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने लोअर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम में जो कि कनेक्टेड है हमारे लाउंज के साथ। सबसे पहले इसकी हम लोग स्पेस की बात करेंगे। काफ़ी डिसेंट साइज का ये रूम है और सामने हमें मिलती है विंडो जो कि ओवरलुक करती है लॉन की तरफ। उसके बाद बैक पे आ जाता है हमारा इसका वॉशरूम। इस कमरे का वॉशरूम है काफ़ी प्रैक्टिकल साइज का मिलता है। राइट साइड पे हमारे आती है इसकी वैनिटी जो कि मार्बल की है जिसकी ऊपर पोर्टा का सिरेमिक है और सिल्वर का सैनिटरी लगी हुई है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमें वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट मिलती है और यहाँ पे हमारा आता है शावर एरिया। सामने हमारे आती है टेम्पर ग्लास में इसकी वार्डरोब्स। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ग्राउंड पोर्शन के सेकंड बेडरूम की तरफ। उससे पहले बता चलो इसी रूम के सामने हमें मिलता है इसका एक छोटा सा स्टोर। अब हम एंटर हो रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम में। काफ़ी ह्यूज एंड स्पेशियस बेडरूम है। फ्लोरिंग देखें तो हमें पूरे घर में कंसिस्टेंट ऑफ वाइट फ्लोरिंग मिलेगी। बैक से हमारे मोल्डिंग में कबड़ा ज़बरदस्त काम आया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त सी मॉडर्न सी लाइट्स भी लगी हुई। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम के एंट्रेंस में हमें इसकी मिलती है वार्डरोब्स। वार्डरोब्स के बाद बैक में मेरे आ जाते हैं इसके शावर कैबिनेट, वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट। राइट साइड पे हमारे इसके सिंक है और इसमें LED मिरर भी लगा हुआ है। अभी हम एंटर करते हैं ग्राउंड फ्लोर के थर्ड बेडरूम में। अगेन काफ़ी ही स्पेशियस साइज का रूम है। सामने जो हमें बहुत ह्यूज विंडो दी हुई है। लेफ्ट साइड पे आया था वॉशरूम, तो चलते वॉशरूम की तरफ। इस वॉशरूम का साइज भी काफ़ी डिसेंट है और सबसे पहले हम इस वॉशरूम के कलर टोन की बात करेंगे। हमें 3 डिफरेंट कलर टोन में इसका वॉशरूम मिलता है, रश ब्राउन और ब्लैक कलर में। राइट साइड पे आ जाते हैं हमारे इसके सिंक और LED मिरर। अगर आप वैनिटी देखें तो मार्बल की वैनिटी है। बैक में मेरे शावर कैबिन आ जाता है और लेफ्ट साइड पे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट। मेरे सामने जो है इसकी वार्डरोब स्पेस की ही नहीं है जो कि टेम्पर ग्लास की। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के अपर पोर्शन में। उससे पहले होता चलो हमें एक सेपरेट एंट्रेंस मिलती है कि अगर आप इस घर को 2 डिफरेंट पोर्शन में करना चाहें तो ये आपकी अपनी प्राइवेट एंट्रेंस है। उसके बाद आप इसे लॉबी और इस एरिया को देखें तो ये ट्रिपल हाइटेड है जो कि स्टेयरकेस डायरेक्ट आपके रूफ टॉप तक जाती है। तो आए अब आपको दिखाते हैं इसका अपर पोर्शन। अभी हम इस घर के अपर पोर्शन में आ गए हैं। बैक में इसके डबल हाइटेड लॉबी जिसमें शैंडलियर हमें नज़र आ रहा है। राइट साइड पे इसका ड्राइंग रूम आ जाता है। अभी हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ।
सेम पैटर्न में सेम साइज में हम इसका ड्राइंग रूम मिलता है, ड्राइंग डाइनिंग अटैच, ऊपर बड़ी खूबसूरत मॉडल शैंडलियर ड्रॉप डाउन किया हुआ है। इसी के साथ हमारा अटैच आ जाता है इसका लाउंज और किचन। और एक और चीज़ चलूँ कि ऊपर का जो हमारा नक्शा है वो काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि डबल यूनिट हाउस है, यूजली डबल यूनिट हाउस के जो नक्शे होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, जिसका आपको नीचे दिखाया गया। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका किचन। अभी हम लोग आ गए हैं प्रोपोर्शन के लाउंज में और किचन में। लेफ्ट साइड पे हमें किचन नज़र आ रहा है, अगर आप देखो नीचे वाले किचन में हमें बीच में आइलैंड प्रोवाइड किया गया था, इधर प्रोवाइड नहीं किया हुआ, लेकिन अगेन कोरियन काउंटर टॉप्स हैं। लेफ्ट साइड पे हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है, सामने हमें मिलता है इसका डर्टी किचन। उसके बाद अगर आप लाउंज देखो तो काफ़ी स्पेशियस लाउंज है, अगेन काफ़ी मॉडर्न सी लाइट ड्रॉप डाउन एरिया है, और सामने हमें इसकी मिली हुई है मीडिया वॉल। और लेफ्ट साइड पे आप देखिए तो हमें इसका मिलता है प्रोपोर्शन का फर्स्ट बेडरूम, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है नीचे वाले बेडरूम से। तो आए इस रूम में मिलता है एज कम्पेयर टू नीचे वाले में। और सामने हमें इसका एक अपना प्राइवेट टेरेस है। राइट साइड पे जो है हमारा इसका बाथरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है, आपको भी इसका दिखाते हैं। वॉशरूम का साइज़ अगर आप देखिए तो काफ़ी ह्यूज है। लेफ्ट साइड पे हमारे मार्बल की वैनिटी है, फोटा के सिरेमिक हैं, और बैक पे अगर आप देखिए हमारा शावर कैबिन आ जाता है जो कि काफ़ी ह्यूज है और काफ़ी स्पेशियस है। लेफ्ट साइड पे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट और एक और बड़ी खूबसूरत सी एलईडी मिरर दिया हुआ है। और राइट साइड पे हमारे जैसे टेम्परेड ग्लास की बहुत खूबसूरत सी वार्डरोब्स। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अपर पोर्शन के सेकंड बेडरूम पे। ये जो एरिया है हमारा बिल्कुल आइडेंटिकल है नीचे की तरह। सामने हमारे आ जाते हैं इसका स्टोर रूम, उसके बाद हमारे आ जाते हैं इस रूम में जो कि काफ़ी स्पेशियस है। राइट साइड पे सेम डिज़ाइन के हमें वॉशरूम मिलता है, जिसमें सामने वार्डरोब्स हैं, वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है, शावर कैबिन है एंड अ ब्यूटीफुल वैनिटी। इस घर के लास्ट बेडरूम है जो कि अगेन काफ़ी ह्यूज साइज़ का है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखिए तो हमें इसका वॉशरूम मिलता है, और जो हमारे सामने विंडो है उसमें हमें प्राइवेट बैल्कनी मिली हुई है जो कि पिछले वाले रूम में मिली हुई थी। लेफ्ट साइड पे जो हमें वॉशरूम है वो काफ़ी खूबसूरत ब्लैक डार्क टोन में मिलता है, जिसमें अगेन वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट, शावर कैबिन एंड अ ब्यूटीफुल वैनिटी, जिसमें हमें फोटा की सर्विस मिलती है। यहाँ पे हमारे घर का टूर खत्म होता है। कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद आई इस घर की, वो ये कि हमें एक डबल यूनिट हाउस में एक डबल हेडेड लॉबी दी हुई है। सेकंड चीज़ इस घर की बहुत खूबसूरत है वो इसकी मुझे लाइटिंग बहुत पसंद आई है, और इसके जो वॉशरूम है उनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। आपको फिर से इस घर की डिमांड बता चलूँ, इस घर की डिमांड 11,90,00,000 है। अगर आप ये घर विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह।